दोस्तों उबर बाइक टैक्सी में लोग अपनी बाइक या स्कूटी लगाकर डेली 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए तक का अर्निंग यहाँ पर कर रहे हैं। और इसके कुछ प्रूफ भी मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी उबर में अपनी बाइक या स्कूटी लगाकर महीने का 30 से 35 हजार रुपए का अर्निंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को उबर बाइक टैक्सी की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही साथ उबर का रेट कार्ड भी आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको पर ऑर्डर कितना पैसा मिलता है, किलोमीटर के हिसाब से आपको कितना पैसा दिया जाता है, और आपको यहाँ पर डेली या वीकली इंसेंटिव किस तरह से मिलता है, और साथ ही साथ एक नए राइडर को जो स्टार्टिंग की सारी इन्फॉर्मेशन बाइक टैक्सी की होनी चाहिए वो भी सब कुछ मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों आप सभी जानते हैं बाइक टैक्सी अभी के टाइम पे एक ऐसा जॉब बन चुका है जिसमें आप अपने खाली समय में काम करके एक अच्छा अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। इसमें टाइमिंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, आप जब फ्री हो उस टाइम पे आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। साथ ही साथ एजुकेशन का भी यहाँ पर ज्यादा कोई लेन देन नहीं है, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं फिर भी आप यहाँ पर आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। बस यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट और व्हीकल आपके पास होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक पासबुक। साथ ही साथ यहाँ पर आपको आपके बाइक या स्कूटी से काम करना होता है इसलिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस पक्का होना चाहिए, लर्निंग लाइसेंस पे आप यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर व्हीकल में तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि व्हीकल में आप बाइक, स्कूटी या इलेक्ट्रिक बाइक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी खुद की बाइक या स्कूटी नहीं है, तो अभी कई सारे ऐसे शहर है जहां पर अभी इलेक्ट्रिक बाइक भी अभी रेंट से दी जा रही है, जिसे आप रेंट पर लेके आप उबर जैसे कंपनियों में आप बाइक टैक्सी का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक अभी से कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पर के रेट कार्ड से। रेट कार्ड के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर कैसे ज्वाइन करना है वो बताने वाला हूँ। ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पर का ज्वाइनिंग प्रोसेस सिंपल है, लेकिन कुछ चीजों की मिस्टेक नए लोग कर देते हैं जिसके कारण उनका ज्वाइनिंग प्रोसेस कम्प्लीट नहीं हो पाता या पेंडिंग में चला जाता है। तो आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम ना हो इसलिए इसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं आपको कुछ जरूरी जानकारी भी मैं आगे ज्वाइनिंग के दौरान इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले देख लेते हैं रेट कार्ड। जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो यहाँ पर दो तरह से इंसेंटिव मिलते हैं, एक मिलता है डेली इंसेंटिव और दूसरा मिलता है यहाँ पर आपको वीकली इंसेंटिव। पहले मैं आप लोगों को डेली इंसेंटिव दिखा देता हूँ। जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो यहाँ पर डेट भी दी गई है, यानी तारीख भी दी गई है। ऊपर आप जैसे देख पाओगे 20 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर, यानी 24 घंटे का ये रेट कार्ड होता है, जिसमें टाइमिंग भी यहाँ पर दिया गया है 20 तारीख सुबह 4 बजे से लेकर 21 तारीख सुबह 4 बजे तक, यानी ये 24 घंटों का पूरा टाइमिंग होता है। आपको पता है बाइक टैक्सी में आप पूरा दिन आप कभी भी काम कर सकते हो, यहाँ पे नाइट में भी काम होता है। जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज है यहाँ पर नाइट में भी आपको काफी सारे राइड मिलते हैं और इस पर एक अच्छा इंसेंटिव भी आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर 24 घंटे का टाइमिंग है जिसमें आप देख पा रहे हो शुरुआत में अगर आप 6 ट्रिप कम्प्लीट करते हो, यानी 6 राइड अगर आप कम्प्लीट करते हो तो आपको इंसेंटिव मिलता है 55 रुपए। ये हो गया शुरुआत के आपके 6 राइड पर। देन इसके बाद अगर आप और आगे 6 राइड कंप्लीट करते हैं तो आपको 70 रुपए इंसेंटिव मिलता है। देन इसके बाद अगले अगर आप 4 राइड और कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 55 रुपए फिर से यहाँ पर दिए जाते हैं। इसके बाद अगर आप और 6 राइड कंप्लीट करते हो तो 180 रुपए आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर इंसेंटिव मिलता है। देन इसके बाद और अगर आप 4 राइड कंप्लीट करते हो तो 65। अब एक चीज अगर आपने यहाँ पर नोटिस की होंगी तो यहाँ पर आपको कम राइड पे भी इंसेंटिव दिया जा रहा है, और अगर आप 24 घंटों में अगर आप मैक्सिमम राइड कंप्लीट करते हो, यानी आप कभी दिन में आप लॉगिन कर लेते हो उस टाइम पे आपने कुछ राइड कंप्लीट की, फिर आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया या फिर आप शाम में आपने फिर से लॉगिन किया, तो ऐसे 24 घंटे में आपका जो भी लॉगिन टाइम है उस टाइम पे अगर आपने ये जो मैंने टोटल ट्रिप दिखाया है इसमें से आपके जितने भी ट्रिप कंप्लीट हो जाते हैं उस पर आपको ये इंसेंटिव मिलता है। अब वीकली इंसेंटिव आपको किस तरह से मिलता है तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो ये इंसेंटिव स्लैब 7 दिन का होता है, जिसमें आप तारीख भी देख पा रहे हो अक्टूबर 17 से लेकर अक्टूबर 24 का ये 7 दिनों का क्राइटेरिया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो अगर आपके 50 राइड एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको 425 रुपए का इंसेंटिव मिलता है। देन अगर आपके फिर से 25 राइड कंप्लीट हो जाते हैं उसी वीक के अंदर तो आपको 275। देन इसके बाद और 25 राइड पे 300 रुपए, और उसके बाद 25 राइड पे 400 रुपए, और लास्ट आपको और 25 राइड आप कंप्लीट कर लेते हो तो 350 रुपए। तो यहाँ पर टोटल राइड अगर आपने यहाँ पर देख ले तो 150 राइड हो रहे हैं, जिस पर आप 1750 रुपए तक का वीकली इंसेंटिव अलग से कमा सकते हो।
तो 1750 रुपए का आपको इंसेंटिव दिया जा रहा है 150 राइड कंप्लीट करने पे। यहाँ पर अगर मिनिमम पर ऑर्डर की बात करें तो आपको पर ऑर्डर 30 रुपए से आगे यहाँ पर आपको दिया जाता है, यानी कोई ऑर्डर अगर आपकी 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की है तो मिनिमम आप यहाँ पर 30 रुपए तक का अर्निंग कर सकते हैं। देन इसके बाद जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव शुरू हो जाता है, इसमें अगर किलोमीटर का हिसाब किया जाए तो बाइक टैक्सी में जो भी सारी कंपनियां हैं इनका जो एक एवरेज है वो मिनिमम 10 रुपए पर किलोमीटर दिया जाता है। यानी आप उबर में ज्वाइन करिए या आप अदर कोई भी कंपनी में ज्वाइन करिए, आपको जो किलोमीटर का जो क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम सभी कंपनियों में लगभग सेम ही है। तो यहाँ पर 10 रुपए से लेकर 12 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा दिया जाता है। दोस्तों अब देख लेते हैं कैसे आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। देन इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ प्रूफ भी बताऊंगा। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि आप यहाँ पर डेली 500, 1000 रुपए, 1500 रुपए का अर्निंग कर सकते हैं, तो इसके कुछ प्रूफ भी मैं आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूँ। इसमें कितने राइड कंप्लीट करने पड़े, कितने घंटे लॉगिन रहना पड़ा, ये सब कुछ मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। तो ज्वाइनिंग करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके उबर ड्राइवर करके एक ऐप है उसे डाउनलोड कर लेना है, जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और आप इसे ओपन कर लेते हैं, इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कुछ परमिशन मांगेगा, उसे अलाउ कर देना है। फिर आप जैसे देख पा रहे हो नीचे दो ऑप्शन है, साइन इन और रजिस्टर। तो साइन इन किसे करना है, जिसने ऑलरेडी अपना आईडी यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अगर आपका ऑलरेडी उबर में आईडी है तो आपको साइन इन पे जाके लॉग इन करना है, लेकिन जो भी लोग अभी यहाँ पर नए हैं उनको यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक कर देते हो इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है, देन आपका लास्ट नेम, देन नीचे आपको आपका ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करना है, फिर आपका फोन नंबर, देन नीचे एक पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट करना होता है। पासवर्ड ऐसा क्रिएट करिए जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो और जो आपको हमेशा ध्यान रहे। पासवर्ड के बाद नीचे आपको आपका सिटी एंटर करना है, जिस सिटी में आप यहाँ पर जॉब करना चाहते हो। देन नीचे आपको इनविटेशन कोड यहाँ पर डालना होता है, इनविटेशन कोड यानी रेफरल कोड होता है, ये डालना जरूरी है क्योंकि इसके जरिए आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग बोनस भी मिलता है। तो इनविटेशन कोड मैंने स्क्रीन पर भी नीचे दे दिया है और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इनविटेशन कोड यानी रेफरल कोड नीचे दे दूंगा। तो जैसे आप वो कोड यहाँ पर एंटर कर देते हो आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे गो टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। आप जैसे देख पा रहे हो सबसे पहला है कार ओनर। यहाँ पर जो बंदा अपनी कार लगाना चाहता है तो आप यहाँ पर कार सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी हम उबर मोटो यानी हमारी बाइक यहाँ पर लगा रहे हैं। तो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है उबर मोटो उस पर क्लिक कर देना है, और देन नीचे यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो उबर ऑटो भी है, यानी आप आपका ऑटो भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो जैसे हम उबर मोटो पे क्लिक कर देते हैं नीचे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर आपसे सेल्फी मांगी जाएंगी। सेल्फी आपको आपकी लाइव लेनी होती है और सेल्फी ऐसे जगह पे आपको लेनी है जिसमें आपका पीछे का जो बैकग्राउंड है वो एक ही कलर का होना चाहिए। ज्यादातर कोशिश करिए व्हाइट कलर में आपका सेल्फी आपको लेना है, क्योंकि होता क्या है ज्यादातर लोगों का जो जॉइनिंग प्रोसेस है वो बीच में क्यों अटक जाता है, क्योंकि जो वो सेल्फी लेते हैं सेल्फी क्लियर नहीं लेते, या पीछे का बैकग्राउंड जो होता है वो काफी कलर वाला या पीछे का बैकग्राउंड क्लियर नहीं होता, इस कारण उनका जो जॉइनिंग प्रोसेस है वो बीच में अटक जाता है। तो कोशिश करिए व्हाइट बैकग्राउंड में आपको आपकी सेल्फी लेना है और क्लियर सेल्फी लेना है। तो जैसे आप सेल्फी यहाँ पर अपलोड कर देते हैं नीचे टेक अ फोटो पे आपको क्लिक कर देना है, फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर से आपको गो टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपके ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो अपलोड करना होता है। जो भी फोटो आप अपलोड करोगे ध्यान रखिएगा फोटो क्लियर होना चाहिए। तो जैसे आप फोटो यहाँ पर अपलोड कर देते हैं टेक अ फोटो पे आपको क्लिक करना है, फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। गो टू नेक्स्ट पे आपको फिर से क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर आपसे पैन कार्ड मांगा जाएगा, तो पैन कार्ड का फोटो आपको अपलोड करके नीचे गो टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप जैसे आप देख पा रहे हो यानी आपने जो भी डॉक्यूमेंट अभी अपलोड किए हैं ये आपकी पहली स्टेप हो गई है, अभी आगे और भी प्रोसेस आपको करना बाकी है। तो यहाँ पर आपको गो टू अकाउंट स्टेटस पे क्लिक करना है, फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है जहां पर आप देख पा रहे हो लैंग्वेज यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हो जो भी लैंग्वेज आप चाहते हो उस लैंग्वेज पे आपको क्लिक करके नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान रखना, आपने कुछ डॉक्यूमेंट पहले अपलोड कर दिए हैं लेकिन और भी कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना बाकी है। यहाँ पर आपको आप जैसे देख पा रहे हो आधार कार्ड का ऑप्शन है, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस। तो हमने ड्राइविंग लाइसेंस पहले जो अपलोड किया है वो फ्रंट साइड वाला किया था, इसलिए आपको यहाँ पर बैक साइड के भी फोटो अपलोड करने होते हैं। तो शुरुआत में आपको आधार कार्ड के इस पर क्लिक करके वहां पर आधार कार्ड का फोटो अपलोड कर देना है, देन आपको वैसे ही आधार कार्ड का बैक साइड
बैंक पासबुक आपको यहाँ पर आप बैंक पासबुक या चेक आप जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पर फोटो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आप बैंक पासबुक यहाँ पर अपलोड कर रहे हो इसमें आपको फोटो आपका क्लियर अपलोड करना है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर आपका बैंक का डिटेल भी डालना होता है, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और बैंक का नाम, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान से आपको यहाँ पर फिलअप करना है, और देन नीचे ड्राइविंग लाइसेंस का बैकसाइड फोटो। तो जैसे आप ये फोटो अपलोड कर देते हैं इस तरह से फिर से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब जैसे आप देख पा रहे हो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिव्यू के लिए चले गए हैं। फिर यहाँ पर इस तरह से मेन होम पेज ओपन हो जाता है उबर मोटो ऐप का। यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, योर डॉक्यूमेंट आर बीइंग रिव्यू। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट अप्रूवल हमारे हो चुके हैं। जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट अप्रूवल हो जाते हैं फिर से हमें इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है, जहां पर आपको नीचे आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर फिर से दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है व्हीकल इंश्योरेंस और दूसरा आता है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। तो अगर आपके पास इंश्योरेंस आपके बाइक का नहीं है तो आपको क्या करना है, आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो ये दोनों ही डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है। अगर आपके पास आपका इंश्योरेंस या फिटनेस सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये ऑप्शनल है, वो आपने अपलोड नहीं भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इस तरह से मेन होम पेज हमारे ऐप का ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी भी हम यहाँ पर राइड जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आप जैसे नीचे देख पा रहे हो वी विल लेट यू नो व्हेन यू कैन टेक ट्रिप, यानी यहाँ पर हमें सूचित कर दिया जाएगा कब हम यहाँ पर राइड करना स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें नोटिफिकेशन भी आता है। तो जब आप कुछ समय बाद अपना ऐप को लॉगिन करते हो और लॉगिन करने के बाद जब इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा कांग्रेस यू आर रेडी टू राइड, यानी आपका जो आईडी है अब वो एक्टिव हो चुका है और अब आप राइड करना यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए कुछ समय का वेट करना होता है। जैसे ही आपका आईडी एक्टिव हो जाता है आप आपका वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप यहाँ पर वर्किंग के लिए बाहर निकले तो आपके पास दो हेलमेट होने चाहिए, एक तो आपका खुद का हेलमेट, दूसरा आपके कस्टमर के लिए जिसे भी आप पिकअप करने के लिए जाते हो तो उसके लिए भी आपको एक हेलमेट एक्स्ट्रा साथ में रखना है। ये ट्रैफिक का कुछ रूल है जिसे आपको फॉलो करना होता है, जिसके कारण आपको ट्रैफिक वालों का कोई प्रॉब्लम नहीं होता और आप अच्छे से यहाँ पर राइड कंप्लीट कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ दिखा देता हूँ कि कैसे आप यहाँ पर डेली मिनिमम 500 रुपए से 1500 रुपए तक अर्निंग कर सकते हैं। तो जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो इस बंदे ने पूरे दिन काम करके 1000 रुपए का अर्निंग किया है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई ऐसे सिटी से है जिस सिटी में उबर का जो कस्टमर बेस है वो बड़ा है, यानी आप किसी बड़े सिटी में आप जॉब कर रहे हो और अगर आप पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा घंटे आप यहाँ पर लॉगिन रहते हो और ज्यादा से ज्यादा राइड कंप्लीट करते हो तो आपको यहाँ पर इंसेंटिव भी अच्छा मिलता है और आप मिनिमम यहाँ पर 1000 रुपए का डेली अर्निंग कर सकते हो। यानी एवरेज अगर देखा जाए तो डेली का अगर 1000 रुपए का अर्निंग हमारा होता है तो मंथली हम 30000 रुपए का अर्निंग करते हैं। अब ये तो अर्निंग हो गया कंप्लीट, अगर आप 30 दिन काम करते हो तो आप इतना अर्निंग कर सकते हो, हो सकता है इससे कम भी हो या ज्यादा भी अर्निंग कहीं कहीं हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम भी काम करते हैं, जो ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं, तो फिर भी आप मिनिमम 300 रुपए 500 रुपए का आप पार्ट टाइम में भी यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप उबर मोटो में ज्वाइन करके एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।